हाँ जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाँ जी गुड मॉर्निंग जी जीरो वन इज़ प्रेजेंट टेन रोल नंबर इज प्रेजेंट वन जीरो एट इज प्रेजेंट थर्टीन इज प्रेजेंट ज़ीरो सिक्स इज प्रेजेंट फोर इज प्रेजेंट अरे भाई मैंने फोर लिखा ही नहीं So four is present. Uh, thirteen six six is present. Eleven is present. Twelve is present. Good morning G one zero one ten eight. Yes, eight Six is present, okay. <coughs> जल्दी से ज्वाइन कीजिए बाकी जो बत रहे हैं जीरो सेवन इज प्रेजेंट 7th. इसमें भी सिर्फ एक मेरी डिवाइस है चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, है इसका, एंड वी विल स्टार्ट विद द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन डिजीज साइकिल तो डिजीज़ साइकिल जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है जब ड्यूरिंग द डिजीज साइकिल वन जीरो नाइन इज प्रेजेंट गुड मॉर्निंग कल जो काम दिया था ना बच्चों सिर्फ दो ने ही बताया है सिर्फ दो बच्चों ने ही बताया है अभी तुम लोग देख लो कि तुम्हारे तो साथ क्या करना चाहिए अभी तुम्हारा थोड़ी देर के लिए लेक्चर लेती हूँ फिर बाद में तुम लोगों को असाइनमेंट दूंगी फिर असाइनमेंट जो है ऐसी होगी कि तुमने रिटर्न पार्ट भी करना है उसका और उसके ऊपर आपने खुद लेक्चर भी देना है वो आप समझाओगे दूसरों को लेट्स स्टार्ट <coughs> लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वॉर द स्टेजिज इन डेवेलपमेंट इन डिजीज वैशाली मैम कल एबसेंट थी जो एबसेंट है वो तो नहीं लेकिन जिनका जिन जिन्होंने जो है यस मैम यस मैम करके बोला था और साथ में बाद में इनकी उनका काम नहीं आया ओके okay. और बाकी को लगा सेंड नहीं करना तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा बच्चा कि आपने काम किया कि नहीं ठीक है तो मैं एक एक बच्चे से पूछ लेती हूँ अभी तुम लोगों ने किसने काम किया है और किसने नहीं ओके ओके अशिमा अपना जो आपने होमवर्क किया है जिस भी बच्चे ने होमवर्क किया है वो अपना होमवर्क जो है वो मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए आपका नंबर शो माई होमवर्क टूडे ओके ठीक है ओके हाँ जी दो बच्चों का गया मैं रही है मैं बोलते हूँ। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे अपने टॉपिक पे बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है इन एवरी इन्फेक्शस डिजीजे सीरीज ऑफ मोर और ले डिस्टिंग टू द डिवलपमेंट एंड पैनिट्रेशन ऑफ डिजीज एंड द पैथोजन परपैचुएशन ऑफ द डिजीज एंड द पैथोजन दिस चेन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल क्या होता है सबसे पहले कि इन्फेक्शस डिजीज सभी इन्फेक्शस डिजीज में क्या होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो सीरीज ऑफ़ इवेंट्स जो वो इन सक्सेशन में चलते हैं एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा एंड लीड टू द डेवलपमेंट एंड एंडचुएशन ऑफ ए डिजीज़ फिर उसके बाद फाइनली क्या हो जाता है एक तरह से डिजीज़ हो जाता है तो इस चेंज ऑफ इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल समटाइम्स कॉर टू द फेयरली closely to the life cycle of the pathogen. Disease cycle जब हम discuss करते हैं तो वो closely या fairly closely to the life cycle of the pathogen इसके साथ correspond करता है भाई इसके साथ correspond करेगा ही क्योंकि pathogen जो disease cause कर रहा है उसकी maximum life जो है वो कहाँ पर गुजर रही है host पे host के ऊपर maximum life जो है उसकी गुजर रही है और उसकी मैक्सिमम लाइफ कहाँ पे गुजर रही है होस्ट तो पे एंड बट इट रेफर्स टू द प्राइमली टू द अपेयरेंस डेवलपमेंट एंड परपेचुएशन ऑफ द डिजीज एज अ फंक्शन ऑफ पैथोजन रादर देन टू द पैथोजन इट डिजीज साइकिल में हम पैथोजन के बारे में सिर्फ सिंगली पैथोजन के बारे में ही डिस्कस नहीं करना है हम कंप्लीट डिजीज जो है वो हमने स्टडी करना होता है तो इसमें अपेरेंस भी दिखती है अपेरेंस जब प्लांट पे अपेरेंट्स होगी इन इनपैथोजेंस की या इन्फेक्शन की जो अपेरेंट्स दिखेगी और उसकी डेवलपमेंट के बारे में जो है वो हमने पढ़ना है और परपैचुएशन ऑफ द डिजीज एज ए फंक्शन ऑफ पैथोजन रादर देन टू द पैथोजन इट्सल्फ या पैथोजन को इट् पैथोजन के बारे में स्टडी करना हमारा जो वो मेन मोटो नहीं है हमने डिजीज के बारे में स्टडी करना है कि वो किसकी वजह से हो रहा है तो वहाँ पे पैथोजन के बारे में जो वो थोड़ा बहुत स्टडी करना होता है और उसकी कंट्रोल मेजर्स के लिए जो पैथोजन के लाइफ uh, साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है एंड द डिजीज साइकिल इन अ चेंजेस इन द प्लांट्स एंड इट्स सिम्टम्स एज वेल एज दस इन दैथोजन एंड स्पांस पीरियड विदाउट ग्रोइंग सीजन एंड फ्रॉम एन ग्रोइंग सीजन टू द नेक्स्ट तो ये क्या है डिजीज साइकिल में कुछ एक चेंजेस होते हैं और उसके सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द पैथोजन एंड स्पान पीरियड विद इन द ग्रोइंग सीजन फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन टू द नेक्स्ट एंड द प्राइमरी इवेंट इन अ डिजीज साइकिल आर इनोकुलेशन प्राइमरी इवेंट्स क्या क्या होते हैं सबसे पहला इवेंट क्या है इनोकुलेशन फिर दूसरा क्या है पेनिट्रेशन थर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन फिर कॉलोनाइजेशन इन्वेशन ठीक है कॉलोनाइजेशन और इन्वेशन तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे होती हैं रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन एंड डाइसेमिनेशन ऑफ पैथोजन एंड सर्वाइवल ऑफ पैथोजन इन द एबसेंस ऑफ होस्ट तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं कि पैथोजन जो है वो होस्ट के आ, एबसेंस में कैसे सर्वाइव करता है दैट इज ओवर विंटरिंग और ओवर सम्बरिंग और ओवर सीजनिंग ऑफ पैथोजन ठीक है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं ओवर विंटरिंग या ओवर सम्बरिंग या ओवर सीजनिंग बोलते हैं इसको ठीक है तो और दूसरी दूसरी चीज ये आगे फिगर मैं आपको शो करूंगी साथ साथ में एंड इन समिजीज देअर मे बी सेवरल इन्फेक्शन साइकिल्स विद इन वन डिजीज साइकिल तो कुछ एक डिजीजे में क्या होता है भाई इन्फेक्शन साइकिल जो है वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन साइकल्स विद इन वन डिजीज साइकल ठीक है तो डिजीज के फर्स्ट स्टेप पे आते हैं हमने पढ़ा कि डिजीज का जो प्राइमरी डिजीज इवेंट जो है वो क्या होता है सबसे पहले इनोकुलेशन आता है फिर आता है पेनिट्रेशन आता है ठीक है तो आते हैं इनोकुलेशन पे तो जो कि हमने इनोकुलेशन कल हमने क्या पढ़ा था कि कांटेक्ट लास्ट में हमने लास्ट के लेक्चर में क्या पढ़ा था पैथोजेनेसिस में वो भी इसी का पार्ट वन था तो कांटेक्ट ठीक है कांटेक्ट में हमने पढ़ा था कि जो पैथोजेन जो है वो किस तरीके से प्लांट के कॉन्टैक्ट में आता है तो इनोकुलेशन में भी हम क्या पढ़ेंगे ये मतलब इनाकुलेशन एक तरीके से कांटेक्ट ही कांटेक्ट को ही बोल रहे हैं हम ठीक है तो इसके बारे में पढ़ते हैं इनोकुलेशन इज द इनिशियल इनिशियल कंटेंट ऑफ द पैथोजन विद सॉरी इनिशियल कांटेक्ट ऑफ द पैथोजन विद अ साइट ऑफ प्लांट वेयर इन्फेक्शन इज पॉसिबल एंड द पैथोजन जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन पॉसिबल है वहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं कि इनिशियल कॉन्टैक्ट जो है वो हम इसको बोल रहे हैं जो इनोकुलेशन क्या है एक तरह के इनिशियल कांटेक्ट को बोल रहे हैं ऑफ़ द पैथोजन विद द साइट ऑफ प्लांट वेयर इन्फेक्शन इज़ पॉसिबल ठीक है जिस जहाँ पे इन्फेक्शन पॉसिबल है उस साइट के साथ और पैथोजन के साथ जो है वो इनिशियल कॉन्टैक्ट उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं दैट इज़ इनोकुलेशन एंड द पैथोजन

पार्ट ऑफ पैथोजन है जो कि इनिशिएट कर सकता है इन्फेक्शन को प्लस इन फंजाई इनोकुलम में भी बाय स्पोर्स तो फंजाई में इनोकुलम क्या हो सकता है स्पोर्स भी एज ए इनोकुलम यहाँ पे काम कर सकते हैं तो यहाँ पे साथ में फिगर्स भी दिखाई हैं तो यहाँ पे एज ए इनोकुलम जो बस स्पोर्स ये तो ये हम डिस्कस करेंगे आराम से नेक्स्ट आते हैं जिसको मतलब अगर फंजाई का इनोकुलम जो है वो स्पोर्स हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं फिर तो उसको हम मतलब इनोकुलम बोल रहे हैं और अगला इन्फेक्शन जो है वो उसका स्क्लेरोटिया स्क्ले, स्क्लेरोशिया भी हो सकता है जो कि क्या होता है एक कंपैक्ट मास ऑफ माइसीलियम ठीक है स्क्लेरोटिया भी बोल सकते हैं इसको स्क्लेरोशिया भी बोल सकते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना जैसे आपको सही लगे एक कंपैक्ट मास ऑफ माइसीलियम तो ये कंपैक्ट मास ऑफ माइसीलियम है तो ये भी एज ए इनोकुलम यहाँ पे काम कर सकता है और अ फ्रेगमेंट ऑफ माइसीलियम आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इनोकुलम कितने तरह का हो सकता है अगर फंजाई के केस में देखा जाए तो फंजाई के केस में जो है स्पोर भी इनोकुलम हो सकता है स्क्लेरोशिया भी इनो, इनोकुलम हो सकता है फ्रेगमेंट ऑफ माइसीलियम भी इनोकुलम हो सकता है और आप इसको विद द डायग्राम शो कर सकते हो एंड इन बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया के केस पे बात की जाए या मोलिक्यूड्स या प्रोटोजोन्स के बेस पे बात की जाए तो क्या होता है वायरसेस या वायरस द इनोकुलम इज़ ऑलवेज होल इंडिविजुअल ऑफ बैक्टीरिया तो इन इन सभी के केसेज में क्या है द इनोकुलम इज ऑलवेज द होल इंडिविजुअल बैक्टीरिया और मोलिक्यूट और प्रोटोजोन और वायरस और वायरोइड्स ठीक है तो ये मोलिक्यूट्स भी आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे आज कल आपका चला होगा ये टॉपिक तो नहीं पता होगा तो बाद में आपको इसके बारे में डिस्कस कर, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे वट आर मोलिक्यूट्स ठीक है बैक्टीरिया बायरइड्स वायरसेस इन सभी के बारे में जो होगा डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं डिस्कस किया होगा तो इन नीमेटोड्स अगर नीमेटोड्स की बात की जाए निमेटोड्स भी एज ए इंट्रक्शियस एजेंट यहाँ पे काम करते हैं नोकुलम ने बी बाय एडल्टीमेटोड नीमेटोड नीमे क्या होता है निमेटोड जो है वो एक तरीके से होते ये भी पैरासाइट्स हैं लेकिन ये प्लांट किंगडम से परे हैं ये एनिमल किंगडम में आते हैं निमेटोड्स ठीक है नीमेटोड्स जुवेनाइल्स भी हो सकते हैं इसमें और एग्स भी हो सकते हैं इन पैरासाइट इन पैरासिटिक हायर प्लांट्स पैरासिटिक हायर प्लांट्स द इनोकुलम ने भी, प्लांट फ्रेगमेंट और सीड अगर पैरासिटिक प्लांट है पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं हायर प्लांट्स भी होते हैं क्लाइंबर्स भी होते हैं ठीक है खुद प्लांट भी एज ए पैरासाइट काम करता है दूसरे प्लांट तो पे तो वहाँ पे इनोकुलम क्या हो सकता है इनोकुलम में भी प्लांट फ्रेगमेंट और सीड प्लांट फ्रेगमेंट और सीड यहाँ पे इनोकुलम एज ए इनोकुलम काम कर सकता है द में भी कंसिस्ट ऑफ में कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ ए पैथोजन फॉर एग्जाम्पल वन स्पोर और वन मल्टी सेलोर स्कलैर और मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पैथोजन फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया कैरिड ए ड्रॉप ऑफ कैरिड इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर बैक्टीरिया बहुत सारे क्योंकि तो एक ही ड्रॉप ऑफ वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो वो भी मिलियनज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पैथोजन भी हो सकते हैं नोकुलम इनोकुलम के अंदर सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड वन यूनिट ऑफ इनोकुलम ऑफ एनी पैथोजन इज कॉल्ड द प्रोपेग्यूल एनी पैथोजन की सिर्फ एक यूनिट उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द प्रोपेग्यूल ठीक है प्रोपेग्यूल बोलेंगे उसे तो अब आते हैं टाइप ऑफ इनोकुलम पे टाइप्स ऑफ इनोकुलम इनोकुलम कितने तरह के हो सकते हैं तो वही इनोकुलम जो भी दो तरीके के हो सकते हैं इनोकुलम कितने तरीके से हो सकते हैं दो दो तरह के इनोकुलम्स हो सकते हैं सो एन इनोकुलम दैट सर्वाइव्स डोरमेंट इन द विंटर और समर एंड कॉज द ओरिजिनल इन्फेक्शन इन द स्प्रिंग और इन द ऑटम इस कॉल्ड द प्राइमरी इनोकुलम एक कैसा इनोकुलम इनोकुलम किस चीज को बोल रहे हैं एक छोटे से स्पोर को बोल सकते हैं या एक छोटे से इंडिविजुअल को बोल सकते हैं या फिर होल माइसीलियम को बोल सकते हैं ठीक है मतलब एक सिंगल जो छोटा सा प्रोपेग्यूल है उसे हम क्या बोल रहे हैं इनोकुलम बोल रहे हैं तो प्राइमरी इनोकुलम जो है वो जैसे डोरमेंट रहता है एक सीज़न में वो डोरमेंट रहता है जब उन उसके लिए खुद के लिए अनफेवरेबल सीजन है तो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी वो शो नहीं करता है डॉर्मेंट रहता है विंटर सीजन में वो डोरमेंट रहेगा या समर सीजन में डोरमेंट रहेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा इन ओरिजिनल इन्फेक्शन मतलब कि फर्स्ट इन्फेक्शन वहाँ पर कॉज करेगा इन द स्प्रिंग और इन द ऑटम ऑटम सीजन में या स्प्रिंग सीजन में वो इन्फेक्शन कॉज करेगा एंड कॉल्ड विच इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी इनोकुलम वो क्या होता है प्राइमरी इनोकुलम दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इनोकुलम और एंड द इन्फेक्शन दैट काज कॉजिज दैट आर कॉल्ड द प्राइमरी इन्फेक्शन्स और इनको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शनस बोलेंगे एंड इनोकुलम प्रोड्यूसड बाई द प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉल्ड द सेकेंडरी इनोकुलम अगर प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो कोई इन्फेक्शन फर्दर इन्फेक्शन कॉज करता है देखो एक फंगस जो है उसने अपनी जो मतलब इन्फेक्शन कॉज कर दिया और वहाँ पे स्पोर्स जो वो प्रोड्यूस कर दिए ये सेक्शुअल स्पोर्ट प्रोड्यूस कर दिए ये सेक्शुअल स्पोर्ट तो उसने क्या किया वो स्पोर्स जो है वो फिर से उस उसी प्लांट को या अनदर प्लांट्स को जो है वो क्या कर रहा है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी इनोकुलम सेम सीजन के अंदर दूसरा जो है इनोकुलम हो जाना उसे क्या बोलते हैं हम सेकेंडरी इनोकुलम एंड इन टर्न द काजेज इट काज द सेकेंडरी इन्फेक्शन और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन सेम इंडिविजुअल के अंदर कॉज करता है एंड जनरली द मोर अबंडेंट ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है द प्राइमरी इनोकुलम एंड क्लोजर इट द क्लोजर इट इज टू द क्रॉप एंड मोर सीवियर द डिजीज एंड द लॉसिज दैट रिजल्ट सीवियर डिजीज जो है वो हो जाता है अगर जनरली जनरली द मोर अबेंडेड प्राइमरी इनोकुलम एंड क्लोजर टू इट्स द क्रॉक जो प्राइमरी इनोकुलम होगा तो जनरली वो काफी लॉसेज कॉज करता है और क्योंकि प्राइमरी इनोकुलम के साथ जो सेकेंडरी इनोकुलम भी रन करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेस कॉज कर सकता है और लॉसेस भी कॉज कर सकता है नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ इनोकुलम पे तो सोर्सेज आपने थोड़ा बहुत जो है वो हमने इसके बारे में स्टडी कर ही लिया कि क्या क्या हो सकते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमने पढ़ ही लिया कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इन सम फंगल और बैक्टीरियल डिजीज द पर एनुअल प्लान डिजीजेज ऑफ पर एनुअल प्लान सच एज श्रब्स एंड ट्रीज द इनोकुलम ऑफ इज प्रोड्यूस्ड ऑन द ब्रांच ठीक है पर एनुअल ट्रीज या प्लांट्स के ऊपर मतलब कैसे इन्फेक्शन जो वो कॉज होता है या इनोकुलम जो है वो कहाँ पर, पर प्रोड्यूस होता है ऑन द ब्रांच ट्रंक्स एंड द रूट्स ऑफ द प्लान्ट ठीक है ट्रंक्स पे ब्रांच पे और रूट ऑफ द प्लांट यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है सॉरी इनोकुलम हो सकता है इनोकुलम और इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन इनोकुलम और डिजीज थ्री थ्री डिफरेंट टर्म्स हैं ठीक है ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो डिफरेंस होता है और इन इनोकुलम और इन्फेक्शन में तो काफ़ी डिफरेंस होता है द इनोकुलम समाइम्स इज प्रेजेंट राइट इन द प्लांट कोलम जो है वो प्लांट के अंदर ही लाई करता है ये क्या बंद हो गया ये तो इनोकुलम मिनट देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज जो है वो ह, इसका पेस्ट जो है वो हाफ रखा हुआ है तो इसके साथ जो है वो क्या आएगा जैसे इनोकुलम समटाइम प्रेजेंट इन द राइट ऑफ द प्लांट राइट ऑफ द प्लांट तो प्लांट के किस चीज में प्लांट डेब्रिस में हो सकता है वो प्लांट डेब्रिस में प्रेजेंट हो सकता है ठीक है जो प्लांट सड़ गया सड़ गया है गल गया है उसके डेब्रिस में हो सकता है या सॉइल में प्रेजेंट हो सकता है ठीक है इनोकुलम किस में प्रेजेंट हो सकता है सॉइल में प्रेजेंट हो सकता है ठीक है और एंड अदर टाइम्स इट टेक्स द फील्ड विद द सीड तो जो सीड जिसके साथ हम प्लांट को ग्रो करने वाले हैं उस सीड में भी ऑलरेडी क्या हो सकता है इन्फेक्शन सॉरी इनोकुलम प्रेजेंट हो सकता है ट्रांसप्लांट्स तो, या ट्यूबर्स तो ट्यूबर अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है उसमें भी हो सकता है दीज आर दोर्सेज ऑफ इनोकुलम सोर्सेज ऑफ़ इनोकुलम का अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको तो इसलिए जो है वो आपको हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल माइन्यूटली जो डिस्कस करनी चाहिए कि किस चीज़ से सोर्स ये जो इनोकुलम है वो आ सकता है नए प्लांट्स में अदर प्रोप अदर और ऑर्गन्स जैसे प्रोपगेटिव ऑर्गन क्या हो सकते हैं एक तो मैंने ट्यूबर बताया या फिर जो किसी भी प्रोपगेटिव ऑर्गन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जिस भी प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो उसे उसके किसी भी ऑर्गन के थ्रू जो है वो इनोकुलम आ सकता है इनोकलम एट द बीट कुछ एक प्लांट्स में जैसे होस्ट के अलावा वो जो इनोकुलम है वो वीड्स के ऊपर भी सरवाइव करता है और जब वहाँ पे प्लांट्स लगाए जाते हैं तो वो वीड से क्रॉप की तरफ जो है चला जाता है तो ये इनोकुलम का जो है सोर्सेज थे किस किस सोर्स से इनोकुलम हो सकता है और इनोकुलम के लिए जो वो कुछ एक और भी टर्म हो सकती वैक्टर ठीक है अनदर मोस्ट इंटायरली द सम काइंड ऑफ वैक्टर की ये कुछ एक तरह के वेक्टर्स के थ्रू भी फैलाया जा सकता है सच एज एन इंसेक्ट ठीक है तो यहाँ पे इंसेक्ट एज ए वेक्टर काम कर सकते हैं इंसेक्ट के ऊपर जो फंगस फोर हैं या फिर बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पे जो क्रॉप प्लांट हैं उसके ऊपर आ सकता है तो वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिजीजेस फॉर एग्जांपल इंसेक्ट इंसेक्ट हो सकता है नीमे हो सकता है वो खुद भी एज ए पैड काम करता है और साथ में एज ए वैक्टर भी काम कर सकता है उसके ऊपर खुद भी जो है इनोकुलम प्रेजेंट हो सकता है अब देखते हैं डिजीज साइकिल को तो डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं तो डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं डिफरेंट इसके अंदर तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ से पढ़ना है प्राइमरी इनोकुलम ठीक है प्राइमरी इनोकुलम से हम स्टार्ट करते हैं जैसे प्रोडक्शन ऑफ ये ओवर विंटरिंग स्टेज जो है आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है प्राइमरी इन्फेक्शन होता है जो कि ओवर विंटरिंग के बाद या फिर सर्वाइवल uh, के बाद जो है जैसे ओवर सीजनिंग के बाद जो वो सर्वाइव कर जाते हैं इनोकुलम स्पोर्स वगैरह या फिर फंगस माइसीलियम या कुछ भी हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है और वो टॉर्मेंट रहता है ओवर सीजनिंग पीरियड में और फिर उसके बाद जब फेवरेबल सीजन आ जाता है तब प्राइमरी इन्फेक्शन कोज करता है ठीक है तो डाइसेमिनेशन ऑफ प्राइमरी इन इनोकुलम फिर उसके बाद डाइसेमिनेशन होती है प्राइमरी इनोकुलम की उसके बाद इनक्यूबेशन तो वो इनक्यूबेट कर जाता है इसके अंदर इनक्यूबेशन एंड फिर उसके पास जो वो अटैच हो जाता है अटैचमेंट के बाद क्या होती है पेनिट्रेशन होती है फिर पेनिट्रेशन के बाद जो वो होस्ट रिकोगशन होती है होस्ट रेकोगशन या फिर होस्ट एंड पैथोजन रेकोगेशन इसको हम बोल सकते हैं फिर रेकोगशन के बाद जो है वो इन्फेक्शन कॉज होता है मतलब पैनीट्रेशन जो होस्ट रेकोगशन है ना ये इसके पहले आएगी और पेनिट्रेशन जो है वो बाद में आएगी ठीक है तो ये इस तरीके से कर लेना आप। पेनिट्रेशन के बाद जो है, यहां पे क्या हो जाती है इन्फेक्शन हो जाती है इन्फेक्शन के बाद जो वो इन्वेजन ठीक है ये स्टेप्स ऐसे बताए हुए हैं फिर कॉलोनाइजेशन मतलब कि बहुत सारी कॉलोनी में कॉलोनीज बन जाती है पैथोजेंस की इनसाइड द प्लांट फिर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन वो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करेगा आफ्टर दैट यहाँ पे सिम्टम डेवलपमेंट होंगे ठीक है उसके बाद सिम्टम्स भी दिखाई देंगे प्लांट्स में कि भाई ये वाला इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया सिम्टम डेवलपमेंट आफ्टर दैट जो वो सिम्टम डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे डाइसेमिनेशन ऑफ पैथोजेंस तो यहाँ पर डाइसेमिनेशन ऑफ पैथोजेंस मतलब पैथोजेंस और भी ज्यादा निकल रहे हैं वो क्या कॉज कर रहे हैं सेकेंडरी इनोकुलम सेकेंडरी नोकलम कॉज कर रहे हैं मतलब कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं और फिर से ये सीधा इनक्यूबेशन पे चले जाते हैं फिर से ये साइकिल जो है वो इस तरीके से चलता रहता है ठीक है तो ये था डिज़ीज़ साइकिल अगर आपको एग्जाम में डिजीज साइकिल वगैरह बनाने को आए तो आप ये डिजीज़ साइकिल शो कर सकते हैं अभी ये बुक में आपकी दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इन्फेक्शन है वो कैसे होते हैं तो ए में देखते हैं कि ए में क्या बताया है इसमें टाइप ऑफ इनोकुलम एंड वेज

यहाँ पे देखो स्टोमेटा के अराउंड एक यहाँ पे यहाँ पे तो यहाँ पे स्पोर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो गए हैं अब और क्या बताया है उन्होंने बी में क्या बोला है एनकरिस्टेड जूस फोर्स ऑफ सोयाबीन रूट रोट सोयाबीन रूट रोट पैथोजन फाइटोपथोरा सोजे जर्मिनेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग द रूट तो ये जर्मिनेट कर रहा है और पेनिट्रेट कर रहा है रूट को ये अरे देखो फाइटोक हो सोजे उसके जो स्पोर्स हैं वो रूट को पेनिट्रेट कर रहे हैं किसकी सोयाबीन की रूट को अब सी में क्या बता रहे हैं सी माइक्रो माइटोस्पोर्स और कोनीडिया माइटोस्पोर्स और कोनीडिया ऑफ ए फंगस दैट कॉज दैट कॉजिज ए कॉर्न लीफ स्पोर्ट डिजीज कॉर्न लीव स्पोर्ट डिजीज जो है वो कॉज करते हैं तो ये इनके कोनीडिया जो है वो वो दिखाए गए हैं ये दिस वन तो ये क्या है कोनिडिया कोनिडिया के अंदर कितने कितने जो होते हैं आपने लास्ट एप्पल स्कैब में पढ़ा था अब डी के बारे में देखते हैं कि डी में क्या बताया गया है डी बैक्टीरिया ऑफ सीडोमना सिरेंजे कॉजेज द बैक्टीरियल स्पोर्ट एंड कैंकर ऑफ स्टोन fruits आर सीन इन एंड सराउंडिंग the स्टोमेटा ऑफ चेरी leaves. चेरी leaf के अराउंड जो है वो स्टोमेटा के अराउंड ये सारे इकट्ठे हो गए देखो स्टोमेटा आपको किस तरीके से दिख रहा है और ये बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से वहाँ पे एकोमलेट हो रहे हैं तो इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो ये इतने ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो इस पर इन्फेक्शन मतलब ढाबा बोल देंगे तो ओबियसली प्लांट बेचारा क्या करेगा उसको तो डिज़ीज़ होना ही है तो ये थे कुछ एक डिज़ीज के डेवलपमेंट से तो अब आपने पढ़ लिया कि इनोकुलम कैसे होता है और इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं उसके बाद क्या आएगा प्री पेनिट्रेशन फिनोमिना प्री पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन से पहले क्या होगा एक तो इनोगुलम हो गया कि भाई वो कांटेक्ट में आ गया प्लांट के जो पैथोजन है वो प्लांट के कांटेक्ट में कांटेक्ट में आ गया उसको किसी वेक्टर ने पहुंचा दिया या फिर पहले से जो स्पोर डोरमेंट थे उन उनसे आगे वो जर्मिनेट होने वाला है तो अब आते हैं प्री पेनिट्रेशन फिनोमिना पेनिट्रेशन से तो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है अटैचमेंट अटैचमेंट ऑफ पैथोजन टू द होस्ट अटैचमेंट भी होनी चाहिए मतलब कि वो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बैठ गया लेकिन वहाँ पे अटैच नहीं है उस प्लांट के साथ जो है वो चिपका हुआ नहीं है तो पैथोजन सच एज मोलिक्यूड्स एंड फेस्टिड्यूस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड मोस्ट वायरसेस आर प्लेस्ड डायरेक्टली इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स वाई देयर वैक्टर्स थ्रू द सेल्स ऑफ प्लांट्स वो वैक्टर वैक्टर के थ्रू या फिर uh, इन मोस्ट केसेज दे आर प्रोबेबली इमीजिएटली सराउंडड बाई द साइटोप्लाजम एंडटोप्लाज्मिक मेम्रेन एंड सेल वॉल्स पैथोजें और फेस्टिडियस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड मोस्ट वायरसेज आर प्लेस डायरेक्टली इन टू द सेल्स ऑफ प्लान बैक्टर जो है वो सीधा ही किसके ऊपर पहुँचा देता है सेल्स ऑफ द प्लान्ट के ऊपर वो पहुंचा देता है उन पैथोजें को उन को वहां पे पहुंचा देता है एंड And... लगा और सबसे ज्यादा केसेस में क्या होता है कि दे आर जो पैथजेंस है वो किसके साथ सराउंड हो जाते हैं दे आर प्रोबेबली इमीजिएटली सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म इमीजिएटली साइटोप्लाज्म के थ्रू जो वो वो सराउंडेड हो जाते हैं एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल्स के थ्रू एंड हाउ एवर ऑलमोस्ट ऑल फंजाई बैक्टीरिया पैरासिटिक हायर प्लांट्स आर फर्स्ट बाउट इंटू कॉन्टेक्ट विद द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ऑर्गन मतलब बैक्टीरिया जब बैक्टर जब जाते हैं तब वो बिल्कुल सेल के अंदर भी पहुंचा सकते हैं लेकिन जब यहाँ पे पैरासिटिक बैक्टीरिया है या हायर प्लांट्स हैं या ऑल फंजाई है वो कहाँ पे बैठते हैं वो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन पे ही बैठते हैं और बिफोर दे कैन पेनिट्रेट एंड कॉलोनाइज द होस्ट दे मस्ट फर्स्ट बिकम अटैच टू द होस्ट सरफेस वो पहले हो सरफेस के साथ जो वो अटैचमेंट चाहिए उनकी अटैचमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एडहीजन ऑफ स्पोर्स अटैचमेंट कैसे होगी एडहीजन ऑफ स्पोर्स बैक्टीरिया एंड सीड्स थ्रू द एडहेसिव मटेरियल दैट वेरी सिग्निफिकेंटली इन कंपोजिशन एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे नीड टू बिकम एडहेसिव तो वो वहाँ पर एडहीजन करते हैं तो दे नीड टू बिकम डिसरप्शन ऑफ एडहीजन बाय नॉन टॉक्सिक सिंथेटिक कंपाउंड रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द स्पोर टू इन्फेक्ट द डिजीज तो अगर हम इस एडहीजन प्रोसेस को मतलब अटैचमेंट प्रोसेस को को डिसरप्ट uh, कर दें ठीक है डिसरप्शन ऑफ एडहीजन बाय नॉन टॉक्सिक सिंथेटिक कंपाउंड रिजल्ट इन फेलियर ऑफ स्पोर टू इन्फेक्ट द लीफ ठीक है अगर वो स्पोर वहाँ पे अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे तो ओबियसली वहाँ पे इन्फेक्शन भी वो कॉज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे एक डिज़ीज़ कंट्रोल मेजर आ गया यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि डिजीज़ को कंट्रोल करना हो तो यहाँ पे क्या करना चाहिए यहाँ पे डिसरप्शन जो है डिसरप्शन ऑफ एडहीजन वो करना चाहिए मतलब उनको चिपकने से बचाना चाहिए <coughs> तो ये क्या है तो ये diagram है जैसे ये होस्ट प्लांट है और ये पैथोजन है और ये रेस स्पेसिफिक इलेक्टर है तो ये एक तरीके से ट्रिगरिंग स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक यहाँ पे पैथोजन है और यहाँ पे होस्ट प्लांट है और न्यूक्लियस और रेस स्पेसिफिक इलेक्ट्रो ये चीज़ याद रखना रे रेस स्पेसिफिक इलेक्ट्रो कि मतलब कि कौन सी रेस है पैथोजन की उसको पहचानने के लिए यहाँ पे मतलब रिकोगनीशन साइट होती है हर एक पैथोजन सॉरी होस्ट पे तो वहाँ से रिकोगनीशन रिएक्शन होती है यहाँ पे रिकोगनाइज किया जाता है इसको फिर पैथोजनसिटी जीन्स तो ये पैथोजेनिसिटी जीन्स जो अब इसके एक्टिवेट हो जाते हैं और दूसरे विरुलेंस जीन्स तो पैथोजेनिसिटी फैक्टर्स तो पैथोजेनिटी जीन्स जो हैं वो क्या करते हैं पैथोजेनजनिस जीन्स जो हैं वो पैथोजेनेटिस जेनिसिटी फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज करते हैं फर्स्ट इज एंजाइम सेकेंड इज टॉक्सिन थर्ड इज़ ग्रोथ रेगुलेटर्स और पोलीसेक्राइट्स तो ये चार तरह के कंपाउंड जो है वो यहाँ पे बनाते हैं ये फिर यहाँ पे जीन होता है ये यहाँ पे रिकॉग्निशन रिएक्शन जो है वो कॉज की जाती है तो होस्ट सिग्नल यहाँ पे होस्ट सिग्नल जो है वो भेजा जाता है काइटिन फैटी एसिड्स ग्लूको फिनोलिक्स तो ये सारे यहाँ पे जो है वो कॉज किए जाते हैं अब होस्ट के अंदर रेजिस्टेंट वाले जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो वो न्यूक्लियस से जो वो एम आर एन ए बना के भेजेगा रेजिस्टेंस जीन से ठीक है तो रेजिस्टेंस जीन जो है वो आगे इनकम्पैटिबलिटी स्पेसिफिक इनकम्पैटिबल स्पेसिफिक सिटी ऑफ द रिसेप्टर तो नोट फिर आगे ये क्या करेगा नो ट्रिगरिंग और स्पेसिफिक डिफेंस स्पेसिफिक डिफेंस को ये ट्रिगर नहीं करेगा <ख्थाँगा> तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज इतना सा ही है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या क्या जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो जेनेटिक्स होती है प्लांट पैथोजेंस से रिलेटेड जो जेनेटिक्स हैं वो भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रो जीन्स जो हैं और जो बिल्कुल ही तो कौन कौन से जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं पैथोजेंस में जो कि एंजाइम्स के लिए इन्जाइम बनाते हैं पहले ये बॉल को ब्रेक करता है ये पैथोजन की बॉल को ना सॉरी होस्ट होस्ट की बॉल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स क्रिएट करता है ठीक है वो एंजाइम्स की एंजाइम क्या करता है होस्ट की बॉल को डाइजेस्ट कर लेता है और तभी वहाँ पे वो अपने जो स्पोर्स हैं उसके जो होस्टोरिया पेनिट्रेट करता है ठीक है तो इसके अगला जो है वो बाद में पढ़ेंगे आज के लिए इतना काफ़ी है अभी मैं सोच रही थी आपकी आ, आपको असाइनमेंट दे दूँ कि कौन कौन सी असाइनमेंट कौन कौन से रोल नंबर ने करनी है तो आर यू हेयर सुन रहे हैं ना आप आपको कौन कौन सी असाइनमेंट करनी है अभी बताती हूँ रोल नंबर वन जो है रोल नंबर वन की असाइनमेंट क्या है <coughs> रोल नंबर वन की असाइनमेंट होगी यहाँ पे ब्लैक बार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो ब्लैक बार्ट डिज़ीज ऑफ पोटैटो ठीक है जो सेकेंड रोल नंबर है उसकी असाइनमेंट होगी क्लब रूट ऑफ क्रूसी क्लब रूट ऑफ रूसीफर रूसीफर में क्लब रूट डिजीज जो है वो क्यों होता है और <coughs> हाँ जी अब थर्ड रोल नंबर है थर्ड रोल नंबर उसको बनाए ऑफ़ सीडलिंग्स डैम्पिंग ऑफ सीड लिंक्स ये है थर्ड रोल नंबर की असाइनमेंट एंड फोर्थ रोल नंबर की है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फिफ्थ रोल नंबर की है डाउनी मिलडियो ऑफ ग्रेप्स एंड बाजरा ऑफ ग्रेप्स एंड बाजरा ये देख लेना समझ तो नहीं आएगी ये राइटिंग वाली सिक्स रोल नंबर का आएगा रोल नंबर रोल नंबर की आएगी स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर स्टेमगॉल ऑफ कोरिएंडर एंड जो सेवन रोल नंबर है फ्यूज़ेरियल विल्ट ऑफ़ टमेटो फ्यूज़ेरियल विल्ट ऑफ टमेटो ये कुछ एक डिजीजेज ऐसे हैं ना इसको ढूंढना पड़ेगा आपको बुक्स में फिर एट है आपका राइजोम रोट ऑफ जिंजर राइजोम रोट ऑफ जिंजर Rhizome root of ginger. Eight rule number. Nine rule number. Ticka disease of groundnut. Ticka disease of groundnut. वाली रोहत तो रेड रोट ऑफ शुगर कैन टेन रोल नंबर रेड रोट ऑफ शुगर कैन इलेवन रोल नंबर Eleven rule number Brown Leaf Sport and Blast of Rice Leaf Sport and Blast of Rice Blast Disease of Rice ठीक है इलेवन रोल नंबर तक हो गया ब्लास्ट और ब्लास्ट डिजीज मिला इसे और लीफ ब्राउन लीफ स्पोर्ट डिजीज अब आते हैं ट्वेल्व रोल नंबर पे तो ट्वेल्व रोल नंबर जो है वो करेगा बैक्टीरियल ब्लाइट बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन और थर्टीन रोल नंबर करेगा ये असाइनमेंट आपने शीट्स पे बनानी है और कॉलेज में सबमिट करनी है कॉलेज के रिकॉर्ड के लिए भी चाहिए होती हैं ताकि आपको इंटरनल असेसमेंट लगा सकें हम और कॉलेज के इंस्पेक्शन के लिए भी चाहिए होते हैं कि बच्चे कोई काम करते भी हैं या नहीं थर्टीन रोल नंबर को कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो moments scab of potato ठीक है सो आप सभी को अपने-अपने असाइनमेंट मिल गई तो आप सभी ने क्या करना है बहुत ही अच्छे से जैसे आप आ, फर्स्ट पेज जो है वो इसका अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो पहले कॉलेज का नाम आएगा आपको Uh, मैम ने एक्चुअली असाइनमेंट का जो क्राइटेरिया है वो बता दिया था कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनानी है फिर आपने जो वो टॉपिक का नाम लिखना होता है और साथ में जो बस वो टू और सबमिटेड बाय जो है वो उसको करना होता है सबमिटेड टू में आएगा आपके टीचर का नाम और सबमिटेड बाय में आएगा आपका खुद का नाम और सब्जेक्ट का नाम जो है वो आपने साथ में लिखना है कि किस सब्जेक्ट की असाइनमेंट आप दे रहे हो ठीक है रोल नंबर वगैरह आपका वहाँ पे होना चाहिए ठीक तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं ठीक है अपना काम जो है वो आप, आप जो मंडे को ये असाइनमेंट जो है वो आपने कंप्लीट करके दिखानी है मेरे को मंडे तक शायद कॉलेज लग जाएंगे मे बी आपको बुलाया जाए मे बी पक्का नहीं है तो देखते हैं अब जीरो नंबर वन ज़ीरो थ्री फाइव अभी अपने अटेंडेंस दे दो फटाफट से और टू ट्वेल्व थर्टीन सेवन नाइन वन हाँ जी कपिता देवी सिक्स एंड रोल एट सिक्स रोल नंबर एंड एट रोल नंबर वेयर आर दीज रोल नंबर starting with the present tha, 6 row number 8 row number be present tha. okay so i'm ending the live session take, take care of you